It was super competitive, exciting to the last ball. And, you know, I was in two, my heart was divided because being from Mumbai, of course you won Mumbai, but also Delhi was really, really amazing. They've never won the cup, so I'm happy that, you know, they're getting a chance to get into it. First time in a match, dekha. I came here with my friends. और इट इज़ वेरी एक्साइटिंग. मतलब लग नहीं रहा था दिल्ली परफॉर्म करेगी. अब तक दिल्ली ने कुछ इतना खास परफॉर्म करा नहीं है. पीपल वर वेरी स्केप्टिकल बट काफी काफी ग्रिटी मैच था. लास्ट तक काफी बना रहा. 250 रन बना के भी ऑलमोस्ट चेज कर लिया. तब भी लग रहा था कि अचीवेबल नहीं है. फिर एक पॉइंट पे अचीवेबल भी हो गया वो. पर फिर लास्ट में वेरी ग्रिपिंग मैच. ऐसे ऐसे हमारे इमोशंस रहे उसमें. आई थिंक सो यस. मतलब फाइनल्स में तो पता नहीं. मतलब लेट्स बी होपफुल. मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा ने तो बहुत ही बकवास परफॉर्म करा. तिलक ने काफी अच्छा परफॉर्म करा. मतलब उनसे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था आई एम गेसिंग. बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. वेरी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंसेस. मैच बहुत अच्छा था. इस बार आईपीएल में तो वैसे ही 200 से ऊपर ही रन बन रहे हैं. 250-200 चेज भी हो जा रहे हैं. कल मैच चेज हुआ. कल का मैच बहुत अच्छा था. आज भी चेज होना था. आज भी लग रहा था कि हो जाएगा चेज पर नहीं हुआ. दिल्ली ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया. फ्रेशर जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं. पावर प्ले का पूरा यूज कर रहे हैं. इस वजह से लंबा स्कोर बन रहा. हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं. हाँ ऐसा लग रहा था. पर मुंबई अब दिल्ली में मैच है तो दिल्ली का ज्यादा सपोर्ट था. मजा बहुत आया मैच में. हाँ मुंबई जीत नहीं पाई. मुंबई सही तो खेल ली थी पर 10 रन से हार गई थी एंड में. पंत की बैटिंग कैसी रही? पंत की बैटिंग सही थी. सही थी पंत का. मुंबई मुंबई में रोहित शर्मा सही लगता है.